नमस्कार साथियों, मैं संदीप नोखवाल, आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। अभी हिसार से आशा वर्करों के धरने पर मैं यहां पर मौजूद हूं और देख सकते हैं जोश में आशा वर्कर यहां पर लगातार नारों की बुछार करने में लगी हुई है सरकार के खिलाफ। आखिर इनकी मांगे हैं वेतन बढ़ाने की, लेकिन देखते हैं कि आखिर सरकार के खिलाफ क्यों आशा वर्कर लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में बैठी हुई है, तो यही जानकारी तो ये दे पाएंगी। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। तो हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप पिछले 2 महीने से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर आप जो अपील कर रहे हैं लोगों से साथ देने की, और जो है सरकार के जो मंत्री है, प्रशासन है, हर किसी से अपील कर रहे हैं कि आपका वेतन बढ़ाया जाए, लेकिन जो है सरकार की तरफ से कोई भी अभी तक आपको उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, क्यों? उम्मीद तो जरूर दिखाई देगी जी, ऐसा कुछ नहीं है कि उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। 3 बार तो वार्तालाप हो चुकी है सरकार के साथ हमारी, और 4थी बारी अभी है। सरकार को झुकना पड़ेगा, बिल्कुल झुकना पड़ेगा। तो काफी आशा वर्करों को इस धरना प्रदर्शन की तरफ परेशानी भी हुई, तो सुनने में आया कि एक आशा वर्कर की मौत भी हो गई है, तो इस चीज को क्या देखते हैं, क्या आशा वर्करों का हौसला नहीं टूटा है? मौत तो जी 2-3 की हो चुकी है हमारी, लेकिन हौसला नहीं टूटा है। अभी भी आशा वर्कर पूरे जोश होश में है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार हमको बहला सके, बहलाने वाले नहीं हम। हम सरकार से नहीं डरेंगे, सरकार हमने बनाई है तो हम सरकार को गिराना भी चाहते हैं। तो वहाँ पर लगातार आप नारे लगा रहे हैं जो है सीएम खट्टर या डिप्टी सीएम के खिलाफ, कि डिप्टी सीएम तो अब रहे नहीं, और साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार को बदलना जरूरी है, तो ये ऐसा क्यों एजेंडा चल रहा है अभी इलेक्शनों में? क्या कह रहे हैं दोबारा बोलो। वैसे आप कह रहे हैं कि भाई हमें सरकार बदलनी है, आपने अपने नारों में कहा था, तो सरकार क्यों बदलना चाहते हैं, क्या परेशानी हो गई सरकार? तो सरकार हमारी सुन नहीं रही है, तो सुन नहीं रही है तो फिर बदलना तो हमें पड़ेगा ना सरकार को। या तो सरकार हमारी सुध बुध ले ले, 60 दिन हो गए हमें धरना पे बैठे और सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है। तो सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि आशा वर्कर कमजोर नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ सकती है। तो अभी चुनाव का समय है, अगर चुनाव के समय में सरकार ने अगर जबरदस्ती की आशा वर्कर को धरना खत्म करवाने की, तो फिर आशा वर्कर क्या करेंगे आगे आने वाले समय में? जी उसको वोट नहीं देंगे सरकार को, जैसे वो हमें परेशान करे हम उसको कर देंगे। हमारे गांव में आओगे ना, उसको गांव में नहीं बढ़ने देंगे। हम कितने दिन हो गए, वैसे तो सरकार कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बैठी है रोड पर, बेटी क्या कहेगा जी, बच्चे नहीं है। आज हमने 59-60 दिन हो गए, हम कितने परेशान होते हैं, घर का भी काम छूटता है, शाम को दीदी और भी कितने दिक्कत में है। सरकार को क्या दिखता नहीं है कितना काम करते हैं जी, डिलीवरी के साथ जाते हैं 48 घंटे तक, अग्रोवा इसार बच्चे की केयर, अब सब काम रुका हुआ है, इन्फेंट डेथ हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे, टिक्के एनसी सब कुछ रुका हुआ है काम, फिर भी सरकार को कुछ नहीं समझ आ रहा। तो अभी आपको कितना वेतन मिल रहा है और कितने वेतन की जो डिमांड आप कर रहे हैं, फिलहाल कितना वेतन है अभी आपका? 4000 रुपये। तो अभी सरकार से कितना वेतन आप चाहते हैं? न्यूनतम वेतन तो होना चाहिए हमारा 26000, वो तो हम उम्मीद करते हैं सरकार बुद्धि, क्योंकि जितना काम है उसके हिसाब से तो हम ले ही नहीं रहे। काम तो 24 घंटे की ड्यूटी है और वेतन ये 4000 रुपये, और जब हम वेतन बढ़ाने की बात करते हैं तो ये बोल देते हैं सोशल वर्कर। अगर सोशल वर्कर हैं तो फिर इतना काम क्यों ले रही है, अगर इतना काम ले रही है तो फिर उसका मेहनताना तो हमें लेना पड़ेगा। तो एक पीसी में कितने डॉक्टर होते हैं और कितने वर्कर होते हैं? डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, फिर डॉक्टरों की जितना बड़ा जो पोस्ट पे और डॉक्टर होते हैं उनकी सैलरी जल्दी आती है, जो जितने नीचे महकमे का कर्मचारी है सरकार उसी की सैलरी देने के लिए रोने उसको रोने पड़ जाते हैं, पैरों में गोटे में पानी पड़ जाता है। सरकार का हम ये 8 तारीख को ललकारते हैं, ललकार रैली में जाएंगे हमारी आशा वर्कर, हम और मजदूर सभी को लेके जाएंगे। सरकार तो ये कहती है कि वो तो चुपके चुपके आती है हमारे घरों में आ जोड़ती है, हम ललकार के जाएंगे, अगर भाई हम आ चुके हैं अपने बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर ले। एक चीज और सुनने में आई थी कि आशा वर्कर घर घर जाकर जो है सरकार से वोट ना देने की अपील कर रही है, ये क्या समस्या है? हम अरे को इसको छवि दिखा रहे हम पब्लिक को, अगर ये सरकार इतनी निकम्मी है, अगर दोबारा इसको आने मत देना क्योंकि सबकी लाइफ खत्म कर देगी, तो इसीलिए कह रहे घर घर जाके हमें अपने ललकार रैली के लिए हरेक उस औरत को बंदे को जो कर्मचारी वो है हरेक को उसकी छवि उसका आईना दिखा रहे हैं कि इतनी घटिया गंदी सरकार है, आप इससे कोई उम्मीद नहीं रखे, इसको यहाँ से खत्म करो। चलो सरकार जैसे सरकार बदल भी गई, दूसरी सरकार भी आई, क्या लगता है दूसरी सरकार आपकी मांगे पूरी कर देगी? करेगी जी, अपने टाइम पर तो वो भी सरकार करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस सरकार ने हमारा क्या करा अभी तक? 2018 में जो इन्होंने वेतन देने की मांग की थी, समझौता किया था, वो भी अभी तक लागू नहीं किया है। 2018 को भी और अब भी जो 2023 का, वो दोनों लेके रहेंगे हम। तो अभी जो है आशा वर्कर का ये जो 8 तारीख को मैडम बता रहे थे, 8 तारीख को क्या प्लान आपका भविष्य में?
8 तारीख को रैली है जी, 8 तारीख को, 8 अक्टूबर, हाँ जी 8 अक्टूबर को, और सारे मजदूर सारी बहनें सब जाएंगे, कोई भी यहाँ नहीं रहेगा, आंगनबाड़ी वर्कर होगी, मजदूर हो गए, किसान हो गए, सभी मोर्चे पे हैं। तो रैली का आयोजन कौन कर रहा है 8 तारीख को, कहाँ पे रैली है? रैली करनाल में है जी, करनाल के अंदर है, हाँ जी। तो अगर जो है रैली की जो परमिशन वगैरह क्या मिल चुकी है अगर आपको जानकारी हो? हाँ जी मिल चुकी है जी। तो अभी तक कितना लंबा इसको धरने को चलाओगे अगर आपकी जो हम मांगे, मेरे को तो नहीं लगता कि सरकार मांगे जल्द से जल्द आपकी पूरी करेगी, तो कितना लंबा आप इस प्रदर्शन को चला सकते हैं? जितना लंबा सरकार चाहती है, अगर सरकार हमारी 8 तारीख को सुन लेती है तो हम धरना उठा लेंगे, अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जितना मर्जी ये बढ़ा सकते हैं। आशा वर्कर 2 महीने हो गए बैठी को, अभी तक नहीं डरे, अब क्या डरना है इनसे? सरकार अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम गिराना भी जानते हैं, सरकार ने किया क्या है? सरकार ने सारे महकमे हैं जो प्राइवेट कर दिए हैं, कुछ भी इन्होंने सरकारी नहीं छोड़ा है, तो ऐसी सरकार का क्या करना है? तो अभी देखा आशा वर्करों की जो है लगातार जो डिमांड चल रही है आशा वर्करों की, और देख सकते हैं यहाँ पर लगातार आशा वर्कर यहाँ पर 8 अक्टूबर को आशा वर्करों की रैली होने वाली है, और लगातार यहाँ पर गीतों के साथ जो आशा वर्कर सरकार से डिमांड करने में लगे हैं, तो बने रहिएगा आज 24 न्यूज के साथ, जुड़े रहिएगा। इतना तो साहस आ गया कि हम खड़े होके बोल उसका नहीं है कि भाई सीमा दीदी या कृष्णा कोई काम कर रही है तो माइक नहीं संभाल सकते, थोड़ा बहुत तो हो गया।